लोकसभा चुनाव में आज छठे चरण में 7 राज्यों की 59 सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिस दौरान कई दिग्गजों ने आज मतदान किया। अब आपको दिखाएंगे कि कौन कौन दिग्गज आज मतदान करने पहुंचे। यूपीए चेयरपर्सन और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी दिल्ली में वोट डालने पहुंची। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ वोट डाला है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी सुबह दिल्ली में वोट डालने पहुंची। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज सुबह 10 बजे नई दिल्ली के औरंगजेब लेन के मतदान केंद्र पर अपना वोट डालने पहुंचे। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस उम्मीदवार शीला दीक्षित भी वोट डालने पहुंची और वहीं उनके साथ नई दिल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की प्रतिनिधित्व मीनाक्षी लेखी भी मौजूद रही। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल और यहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गौतम गंभीर भी वोट करने पहुंचे। पर इन सब के साथ साथ दिल्ली के सबसे उम्रदराज बच्चन सिंह वोट डालने पहुंचे। 111 साल के बच्चन सिंह इस बार भी अपना वोट डालकर ये दिखा दिया कि वह मतदान के प्रति कितने जागरूक हैं।